अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। आज आपके लिए लाई हूँ मैं आलू की भुजिया की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है और सिंपल तरीका है इसका बनाने में। जब आपका कोई लंबी चौड़ी रेसिपी ट्राई करने को दिल ना करे तो आप आलू की भुजिया बना लें, बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू लिए हैं और इनको ये चकोर काट के मैंने बॉयल कर लिए। बहुत ज़्यादा भी इनको बॉयल नहीं करना, दरमियाना। ये देखें कि प्रेस करने से एकदम टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं इसको गलाना क्योंकि अभी हम इसको पकाएंगे भी। अच्छा, इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं 3, दरमियाने साइज़ के काट के रख लिए हैं मैंने। लहसुन लिया है मैंने और ये होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, यानी 5 से 6 जवे लहसुन के। 1 बड़ी प्याज ली है मैंने और इसको स्लाइस में काट लिया है। मसालों में हमको चाहिए होगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाहिए लाल मिर्च, 2 चुटकी लिया है मैंने मेथी दाना, 2 चुटकी ली है कलवंजी और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। कम लगा तो बाद में और डाल लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लिया है दड़ा मिर्च। नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें 1/2 कप ऑयल डाला है और ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, कलवंजी और मेथी दाना। ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। हल्की सी खुशबू आने लगेगी तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज जब हल्के सोते हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट पिंकिश कलर देना है। प्याज हमारा हल्के से सोते हो गया, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून। पंद्रह से 20 सेकंड तक हमने लहसुन को भूनना है इसके अंदर। जब उसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और साथ ही फिर उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। लहसुन भी इसमें फ्राई हो चुका है, खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें मसाले बाकी के डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हल्दी इसमें ऐड नहीं की थी हम, अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और टमाटर को गला लेंगे। टमाटरों को हल्का सा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको फिर हमने 5 मिनट तक हल्की आंच पे दम दे देना। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिए, अब हम इसको दम लगा देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। दम देने का मकसद ये था कि आलू के अंदर सारे मसाले जो है ना अच्छे से जज्ब हो जाए। तो हम देखते हैं, लीजिए जी हमारी मज़ेदार सी आलू की भुजिया तैयार है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करती हूँ, डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। लीजिए जी हमारी मज़ेदार सी आलू की भुजिया तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी। लास्ट में हम इसके ऊपर अब हरा धनिया दोबारा डाल देंगे और हरी मिर्चें रख दूँगी। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।